सभी भोले के भक्तों को जय हिंद, जय भोले की। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। लाख इरादे बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। बाबा अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। दोस्तों, 2024 में श्राइन बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होकर 29 अगस्त तक कुल 52 दिनों तक चलेगा, जो कि श्रीनगर के लाल चौक के पास दशनमी अखाड़ा से शुरू होकर शंकराचार्य मंदिर होते हुए अपने पड़ावों को पार करते हुए छड़ी यात्रा पवित्र गुफा पहुंचता है और दोबारा यात्रा सुसंपन्न होने के पश्चात छड़ी मुबारक के तौर पर वापस लौटता है। होली की भक्तों, मैं राजेश मुखर्जी, आज मेरा इस वीडियो में श्री अमरनाथ जी यात्रा को सकुशल पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी से शेयर यानी साझा करूंगा, जो कि मुझे 4 बार बाबा बर्फानी के दर्शन के दौरान प्राप्त अभिज्ञता यानी एक्सपीरियंस के साथ साथ 12 साल से भी ज़्यादा यात्रा के दौरान तैनाती यानी ड्यूटी के दौरान मुझे प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी मैं और मेरा टीम बाबा का आशीर्वाद रहा तो दर्शन का अभिलाषा रखता हूं और उसे अवश्य पूरा करूंगा। तो आज के वीडियो में 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में क्रमवार जानकारी दूंगा। सबसे पहले दस्तावेज, दूसरा आने जाने का मार्ग यानी रास्ते का चयन, साधन, दूरी तथा खर्चा, तीसरा मार्ग यानी रास्ते में मिलने वाली सुविधा, चौथे पे करे या ना करे यानी डू एंड डोंट्स, और 5वां पॉइंट है अन्य बातें। पहले जरूरी दस्तावेज, दोस्तों आपको आने से पहले श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और श्राइन बोर्ड के द्वारा सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में निर्धारित किए गए हॉस्पिटल और डॉक्टर के द्वारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। उम्र 13 साल से ज्यादा और 70 साल से कम होना चाहिए। साथ ही 6 सप्ताह से ऊपर गर्भवती महिलाओं को भी यात्री का अनुमति नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। ऑनलाइन आप कहीं से भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं, और ऑफलाइन की सुविधा आपको जम्मू भगवती नगर, पंथा चौक जिसे सिटी गेट ऑफ श्रीनगर कहा जाता है, पहलगांव और बालटाल बेस कैंप एक्सिस पर भी होता है। उसके पश्चात आप RFID कार्ड जरूर बनवा लें। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी मदद से आपकी विपरीत परिस्थिति या गुम हो जाने पर आपको ट्रैक किया जा सके, और इसे यात्रा के दौरान अपने पास ही रखें, किसी अन्य साथी या पोर्टर को ना दें। दूसरा पॉइंट है मार्ग यानी रूट। श्री अमरनाथ जी की गुफा एक दुर्गम स्थान जो कि पर्वतीय क्षेत्र पर है। पवित्र गुफा तक भक्तों को पहुंचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग से जम्मू या श्रीनगर तक आ सकते हैं। होली के भक्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं लोअर होली कैंप के पास, जहां आपको अमर गंगा नदी बहते हुए देख रहे हैं, देख सकते हैं सामने पहाड़ियों का ऊपर मोटी बर्फ की चादर, और यहीं पे श्री खच्चरों का विश्राम स्थल भी है, जहाँ पे वो लोग खाना नाश्ता जो भी बोलिए अपना ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए बर्फ के परतों के ऊपर हम लोग पैदल यात्रा करते हुए, सामने बर्फ का ढेर। यहाँ पे सामने अनाउंसमेंट सेंटर भी है, मैं इसको आपको लिंक के साथ शेयर करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी जितने भी सारे नंबर हैं शेयर करूँगा जहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है। दोस्तों, आप सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर ऑटो या मिनी बस के जरिए ₹50 देकर 5.9 किलोमीटर दूरी तय कर भगवती नगर यात्री निवास कैंप पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको डॉर्मेटरी सुविधा मिलेगी, साथ ही लॉकर सुविधा भी सुलभ मूल्य में उपलब्ध है। सामान और व्यक्तियों की चेकिंग के बाद
अगर आप ग्रुप में हैं तो सभी का रजिस्ट्रेशन लेकर ही RFID कार्ड बनाने जाएं। साथ ही गाड़ी बुक कर लें। गाड़ी यानी वाहन बुक करते समय ध्यान दें कि वह बुक की हुई वाहन या व्हीकल कहां पर मिलेगी, निर्धारित समय क्या होगा, यहां पर खाना पीना का सुबंदोबस्त भंडारा यानी लंगर में बिल्कुल निशुल्क मिलता है। सुबह निर्धारित समय पर जो कि 3-4 बजे के बीच में हो सकता है, अपने गाड़ी नंबर और सीट में जाकर आसन ग्रहण करें। वाहनों का यानी गाड़ियों का काफिला पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के साथ कानबाई बनकर 4-6 बजे तक प्रस्थान कर देती है। दोस्तों, जो भी भक्त अपना स्वयं का गाड़ी लेकर कानबाई में जाना चाहता है वो भी वहां पर अपना नंबर लगाकर अनुमति के साथ जा सकता है। आप अपना सहूलियत के लिए नजदीक होटल में भी रुक सकते हैं। कानबाई आप सभी को 2-3 टैक्टिकल हॉल्ट के पश्चात शाम के 1700 बजे तक पहलगांव बेस कैंप या बालटाल बेस कैंप में पहुंचा देगा। भगवती नगर से पहलगांव बेस कैंप का दूरी 236.9 किलोमीटर भाया NH 44 एवं भगवती नगर से बालटाल बेस कैंप एक्सिस कैंप का दूरी 339.4 किलोमीटर भाया NH 44 एवं NH 1 के माध्यम से। दोस्तों, आप अगर श्रीनगर पहुंच जाते हैं तो आप श्रीनगर पंथा चौक बेस कैंप से भी रात्रि विश्राम कर सुबह कानबाई के साथ पहलगांव या बालटाल बेस कैंप एक्सिस पहुंच सकते हैं। पंथा चौक में भी रहने का सुबंदोबस्त के साथ साथ निःशुल्क भोजन का व्यवस्था है। पवित्र गुफा जाने के लिए पहलगांव और बालटाल दोनों रास्ते से जाया जा सकता है, जबकि पहलगांव वाला रास्ता सबसे पुराना एवं ऐतिहासिक है, जो कि कुल 48 किलोमीटर पवित्र गुफा से है। पहलगांव के रास्ते भक्त मंडली को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक लग सकता है। दोस्तों, पहलगांव से चंदनबाड़ी वाहनों के माध्यम से पहुंचने के बाद चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा तक जाने के लिए 32 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जिसमें आप सभी को लगभग 3 दिन तक समय लग सकता है, क्योंकि आज हमारा यह वीडियो बालटाल वाला रूट का जानकारी देने के संदर्भ में है, जो कि अति महत्वपूर्ण है और इस बारे में आपको कोई और इस प्रकार से नहीं बता पाएगा। पवित्र गुफा जाने का सबसे कम समय लगने वाला रूट यानी रास्ता है, जो कि आप जम्मू भगवती नगर पंथा चौक श्रीनगर या श्रीनगर एयरपोर्ट से बस, कैब या कानबाई के माध्यम से मनीगांव, कंगन, गुंड, सोनमार्ग, नीलग्रह जहां पे हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, होते हुए रंगा मोड़ पार करके बालटाल बेस कैंप एक्सिस यानी भोले भूमि पहुंचते हैं। यहां पर फिक्सिंग चेकिंग के बाद आप बेस कैंप के अंदर पहुंचते हैं। यहां पर आपको 300-1000 रुपये में सुविधा के अनुसार तंबू मिल जाएगा, गर्म पानी सुविधा के साथ प्रकृति की अनोखी नज़ारा लेते हुए भंडारा का आनंद ले सकते हैं निःशुल्क। भोले के भक्तों, पिछले साल से टेंट सिटी जो कि आर्मी के द्वारा लगाया जाता है, जोजिला पार्क के ठीक नीचे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बेस कैंप के ठीक सामने लगाया गया है और टेंट सिटी यानी CRPF कैंप के नज़दीक ही यहां पर रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड बनवाया जाता है। जो यात्री पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो घोड़ा, पालकी, खच्चर, पोटर रात्रि से पहले ही कर लें। इन सभी साधनों का श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के तरफ से रेट फिक्स किया जाता है या रहता है, फिर भी पहले 15-20 दिन तक घोड़ा, पालकी, खच्चर, पोटर वाले अपना मनचाहा रेट लेते हैं। अगर आपका वजन 60-70 किलो से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ सकते हैं। कितना देना होगा यह आपका वजन और उपलब्ध
घोड़ा पालकी खच्चर और पोटर वाले ही तय करते हैं। किसी भी विपरीत स्थिति में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन, CRPF या और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज का सहायता ले सकते हैं या उन्हें बोल सकते हैं। बालटाल में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 3 बजे से ही बालटाल बेस कैंप के एग्जिट पॉइंट में पालकी और पैदल वालों यात्रा के लिए लाइन लगा देते हैं। दोस्तों, जो भी यात्री घोड़ा या खच्चर के माध्यम से यात्रा को करना चाहते हैं, वो बेस कैंप बालटाल के एंट्री गेट से दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है, जाते वक्त बेस हॉस्पिटल को दाहिनी छोड़ेंगे, उस रास्ता से सुबह सबसे पहले उनको छोड़ दिया जाता है, ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना यात्रियों को कम करना पड़े। एग्जिट पॉइंट से सुबह 4 बजे छोड़ने का जो समय है, वो मौसम के अनुसार आगे पीछे हो सकता है। 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप डुमेल फिक्सिंग पॉइंट यानी चेकिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस दौरान रास्ते में चाय पानी का सुबंदोबस्त लंगर में रहता है। आयरन ब्रिज निकलने के बाद 1 किलोमीटर के पश्चात मसूर जयपुर भंडारा तिरंगा भंडारा आपको मिलेगा। जयपुर भंडारा से अनाउंसमेंट होता है, जो कि चलते वक्त यात्रा के दौरान रास्ते के बाईं ओर मिलेगी। डुमेल में आपका यात्रा पास, RFID और आपका व्यक्तिगत चेकिंग के लिए लंबा लाइन का सामना करना होगा, जो कि 2 कतारों में होगा, महिला एवं पुरुष। की कार्यकुशलता और दक्षता के साथ सुरक्षा जांच जल्द ही पूरा हो जाता है। मैं सभी भोले के भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो सुरक्षा जांच में सुरक्षा बलों को धैर्य के साथ साथ दें। 40 से 45 मिनट में ही आप अपनी यात्रा डुमेल से शुरू कर सकते हैं। डुमेल कैंप के बाहर और अंदर भी घोड़ा खच्चर पालकी वाले मिल जाते हैं। पूरे यात्रा के दौरान बीच बीच में आपको मेडिकल फैसिलिटी की जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध रहता है। दोस्तों, 2022 से बालटाल से डुमेल तक टोटो यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सुविधा भी आपको मिल जाएगी। डुमेल से 4 बजे के बाद मौसम के अनुसार यात्रा को छोड़ दिया जाता है। डुमेल से 2.6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आप पहुंचेंगे रेलपत्री, जो कि थोड़ा कठिन चढ़ाई है। आप इसे धीरे धीरे धैर्य के साथ पार करें और भोलेनाथ के जयकारा के साथ आगे बढ़ें। रेलपत्री में भी लंगर का बंदोबस्त है। यहां से 3 किलोमीटर और यात्रा पूरा करने के बाद आप पहुंचेंगे बरारी मार्ग। यह कठिन मार्ग है और इसके बाद आपको रास्ते में विशेष कठिनाई नहीं आएगी। यात्रा के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य, बहती हुई नदी, नाले, झरने और भक्तों की जयकारा, खच्चरों की सिलसिला, पालकियों की सवारी, लहराता हुआ भारतीय तिरंगा और हेलीकॉप्टर का उड़ान आपको देगा एक ऐसा मंजर जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बरारी मार्ग से आपका यात्रा सुगम हो जाएगा। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद आप काली माता के पास पहुंचेंगे। यहां से थोड़ा आगे दाहिनी तरफ संगम है। काली माता से 4 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद बाबा बर्फानी का पवित्र गुफा है। पवित्र गुफा के नीचे का विस्तृत इलाका मोटी बर्फ के चद्दर से ढकी रहती है और यहाँ पर ही प्रसादी का दुकान, लंगर यानी भंडारा, टेंट हाउस लगा रहता है। दोस्तों, किसी भी विपरीत परिस्थिति में गुफा के पास आर्मी, CRPF, ITBP, SSB, सिविल पुलिस, NDRF या अन्य कोई भी CAPF या भंडारा में मदद ले सकते हैं। साथ ही अनाउंसमेंट सेंटर के माध्यम से आप खुद कुछ भी अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। भक्तों, अगर आप ग्रुप में हैं तो दर्शन करने के पहले आप ये तय कर लेंगे कि दर्शन करने के पश्चात कहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि दर्शन के पश्चात
सीढ़ियों से उतरने के बाद सारे परिदृश्य एक ही तरह का लगते हैं। भक्तों ध्यान दीजिएगा, सभी दुकानों का नंबर होता है जो याद और पहचान के लिए आसान होता है। मैं पहले भी बताया हूँ, बालटाल और दुमेल के बीच में मैसूर जयपुर भंडारा में भी अनाउंसमेंट का सुबंदोबस्त है और बालटाल बेस कैंप के एंट्री गेट के पास भी यह सुविधा उपलब्ध है। आप सभी गुफा के बाहर के प्राकृतिक परिदृश्य को अच्छी तरह से ध्यान से देखने पर पाएंगे पवित्र गुफा के दाहिनी ओर शेषनाग रूपी पर्वत श्रृंखलाएं और बाईं ओर नंदी जी और गणेश जी विराजमान है। पवित्र गुफा 3880 मीटर की ऊंचाई पर है और यह 19 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा एवं 11 मीटर ऊंची है। भोले के भक्तों, रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह आप सभी उचित मूल्यों पर गर्म पानी से स्नान करने के पश्चात बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सीढ़ियों के पास पहुँचे। बुजुर्ग भक्त समय लेकर आराम से चढ़े और कोई भी भक्त जो शारीरिक क्षमता रखता है तो अवश्य ऐसे भक्तों का मदद करें जिसकी आपकी मदद की जरूरत होगी और यह असली सेवा है। दर्शन के दौरान आप सभी का सामान, मोबाइल आदि जिस टेंट पर रुके हैं उस टेंट के मालिक या अटेंडर के पास सुपुर्द करके आए, जिसका टेंट नंबर है, जगह को अच्छी तरह से याद कर लें। दर्शन के पश्चात आप सभी भक्तों का शारीरिक और मानसिक थकावट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि तीर्थों का तीर्थ का दर्शन का आनंद उपलब्धि भाषा में बयां नहीं किया जा सकता है। बाबा बर्फानी के दरबार में आप गुफा के छत से टपकते हुए पवित्र जल का आनंद भी ले सकते हैं और कबूतरों का चहल पहल भी देख सकते हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम को 1700 बजे तक हो। आप नीचे आकर अपना नाश्ता, खाना भंडारा या लंगर में ग्रहण करें। दोस्तों भंडारा में उतना ही प्रसादी अपना थाली में लें जितना कि आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। थाली में उच्छिष्ट बिल्कुल ना छोड़ें। बालटाल से पवित्र गुफा की 14 किलोमीटर का दूरी आप 6 से 7 घंटे में तय कर सकते हैं। यह आपकी फिजिकल फिटनेस और मौसम के ऊपर निर्भर करता है। कुछ भक्त गुफा में पहुंचकर रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन दर्शन करने के पश्चात अपना वापसी का यात्रा शुरू करता है। मेरे हिसाब से आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से जाएं और भोले शंकर का दर्शन पाएं। भक्तों वापस आते वक्त जहां पर दुकानें शुरू होती है वहां पर एक ब्रिज है। थोड़ी दूर बाद बाईं तरफ पहलगांव और दाहिनी तरफ बालटाल का मार्ग है, उसमें बिल्कुल भ्रमित ना हो। नीलग्रत से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंचतरणी के आने के पश्चात पैदल, घोड़ा, खच्चर के सहयोग से या मदद से 6 किलोमीटर चलने के बाद आप लोग पवित्र गुफा में आ सकते हैं और दर्शन के पश्चात वापस जा सकते हैं। रास्ते में मिलने वाली सुविधा, भंडारों में स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क, जम्मू और श्रीनगर से आने जाने के लिए सरकारी गाड़ियों की सुविधा, गाड़ियों के पार्किंग के लिए 1200 से भी ज्यादा क्षमता वाली बस स्टैंड, साथ ही बालटाल से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे सरवल नामक जगह पर भी और एक बस स्टैंड की सुविधा, 100 बेड वाली बेस हॉस्पिटल की सुविधा, पूरे यात्रा के दौरान मेडिकल सुविधा फ्री में, साथ ही आपातकालीन के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा। दर्शन के पहले या पश्चात वैष्णो माता जाते वक्त प्रत्येक गाड़ी में 2 प्रोटेक्शन की सुविधा, साथ ही हेलीकॉप्टर सुविधा वैष्णो माता दर्शन के लिए। डू एंड डोंट्स, भोले के भक्तों यात्रा में आने से पहले प्रत्येक 5 किलोमीटर चलने की अभ्यास करें कम से कम 1 महीना। यात्रा के दौरान अच्छे जूतों का इस्तेमाल करें और जो कि आप पहले इस्तेमाल किए हुए होंगे, चप्पल आदि में बिल्कुल ना आए। आपकी ड्रेस कोड ट्रैक के सुविधा अनुसार, साड़ी वगैरह में महिलाएं बिल्कुल ना आए। ज़्यादा सामान ना लेके आए और ज़्यादा सामान होने पर पोर्टर कर लें और उसका नंबर और पहचान पत्र का फोटो ले लें ताकि विपरीत परिस्थिति होने पर आपको मदद किया जा सके। यात्रा के दौरान हमेशा आपका यात्रा परमिट, RFID कार्ड अपने पास ही रखें, किसी दूसरे को ना दें। घोड़ा, पालकी, पोर्टर वाले निर्धारित रकम देने के बाद भी
आपसे नाश्ता के लिए एक्स्ट्रा बॉक्सेस मांग सकता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अपने साथ एक बरसाती जरूर रखें। यात्रा से पहले एक लाठी खरीद लें। यात्रा के दौरान गर्म पानी का सेवन करने की कोशिश करें। साथ में ग्लूकोज, ORS, खीरा, चॉकलेट, बिस्कुट आदि रखें। बिस्कुटों का रेपर रास्ते में ना फेंकें। यात्रा के दौरान नदी झरने में स्नान करने से बचें, जो कि आपको बीमार कर देगा और यह जानलेवा है। सेल्फी के लिए बिल्कुल जोखिम ना लें। यात्रा के दौरान अपने बायां तरफ का जो कतार है उसी में चलें। घोड़ा खच्चर पालकी वाले को आगे जाने दें। एक जगह पर अपना पैसा ना रखें। बेस कैंप में नया सिम और रिचार्ज का सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पे एयरटेल जियो का नेटवर्क बढ़िया रहता है, साथ में BSNL का भी नेटवर्क मिलता है। घोड़े वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक घोड़े में एक अटेंडर होगा। दो घोड़े को एक अटेंडर हैंडल नहीं करेगा। घोड़े और पालकी में जाते समय बिल्कुल ना सोएं। तीर्थों का तीर्थ कहे जाने वाले बाबा बर्फानी के दरबार में स्वच्छता का ध्यान रखें। वापसी का टिकट रेल या फ्लाइट से करते समय 2 दिन कम से कम हाथ में रखें। भोले के भक्तों, यात्रा के दौरान विशेष स्थानों यानी नाका पॉइंटों पर निश्चित समयावधि के बाद आने जाने नहीं देगा, इसका विशेष ध्यान रखें। सिविल गाड़ी में आते जाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दर्शन के पश्चात कारगिल वार मेमोरियल, कैप्टन मोड़, जोजिला टनल, सोनमार्ग, परिमहल, निषाद गार्डन, हाउस बोट, डल लेक, श्री शंकराचार्य मंदिर का दर्शन अवश्य करें। मैं स्वयं 4 बार दर्शन करने के दौरान और ड्यूटी में तैनाती के दौरान जो भी चीज़ें महसूस की आपसे शेयर किया, ताकि आप सभी को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, हो सके तो पूंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भी दर्शन करें और दर्शन का लाभ पाएं। भोले की भक्तों, यात्रा के दौरान जोखिम बिल्कुल ना लें, सुरक्षा कर्मियों को साथ दें, क्योंकि दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा। मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को न दबाएं। आप अपना विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भोले की।